एक जो वो 4 दिन का फेस था, बिकॉज 23 मई 2023 को रिजल्ट आया था एंड 28 मई को वापस से नया प्रिलिम्स होने वाला था 2023 वाला. सो सिर्फ एक दिन था रोने के लिए. सो आई क्राइड माई बेस्ट कि अब तो आज तो रोना ही है पूरे दिन, कल से पढ़ाई करेंगे. कि खुद को ये मत समझो कि यू हैव डन एवरीथिंग बेस्ट दैट यू कैन डू, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट. ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने सब कुछ बेस्ट तो दे दिया फिर भी क्यों नहीं हुआ है. ठीक है, अपना गम मनाया था, बट उससे एक चीज़ सीखी थी कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. फर्स्ट अटेम्प्ट की ये सीख थी, जो मेरी एक लाइफ की सीख भी थी कि क्या नहीं कर रही हूँ जो अब करना है. ये सिर्फ मॉक टेस्ट थे जिससे मैं पता लगा पाई कि मैं 50-50 से नीचे अगर खेलूंगी तो वो मेरा गलत होने वाला है. एंड अगर 90 क्वेश्चन से ऊपर वाले ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट कर लिए तो फिर वो अगेन नेगेटिव में ज़्यादा जाने वाला है. ऑलवेज अ ग्रेटर थिंग, जो आप अपना बेस्ट दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है. तो ये एक डिसहार्टनिंग ना कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है अगर आपका इतनी मेहनत के बाद भी फेलियर हो रहा है. Hi everyone, I am Khushali Solanki and I have achieved AIR 61 in UPSC CSE 2023, and today I am given this opportunity, this platform, to tell everyone about the story of this success. And I want to tell you that it's not always up and up, it's ups and downs. Ek sinusoidal wave ki tarah ye chalta hai. And this is my third attempt. एंड पहले दो अटैम्प्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से इम्प्रूव करना ये भी एंड लाइफ में क्या इम्प्रूव करना है वो भी. सो आई विल बी टेलिंग यू माई स्टोरी इन दिस मैनर. सो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था इट वॉज इन 2021 एंड आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स इन दैट अटैम्प्ट. एंड एवरी वन वॉज लाइक कि पहला ही तो अटैम्प्ट था, कोई बात नहीं. बट इट वॉज मी हु न्यू दैट आई हैड पुट 2 ईयर्स ऑफ मेहनत इन टू इट. कि 2020 से मैं इसकी तैयारी कर रही थी एंड 2 साल पढ़ने के बाद में मैंने अटेम्प्ट दिया एंड वो नहीं हुआ था तो बहुत दुख था. एंड देन ठीक है, अपना गम मनाया था, बट उससे एक चीज़ सीखी थी कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. फर्स्ट अटेम्प्ट की ये सीख थी, जो मेरी एक लाइफ की सीख भी थी कि क्या नहीं कर रही हूँ जो अब करना है. तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि मैं खुद को एनालाइज़ नहीं कर पाई थी कभी भी. मैंने सोचा था मैंने कोर्स तो कर लिया है और PYQ देख लिए हैं तो बस दैट्स इनफ फॉर मी. बट देन थोड़े मार्क्स से रह गया था. सो इन सेकेंड अटेम्प्ट मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए एंड मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप के छोड़ देने हैं, कहाँ तक एक गेस वर्क को लेकर के जाना है. ये सिर्फ मॉक टेस्ट थे जिससे मैं पता लगा पाई कि मैं 50-50 से नीचे अगर खेलूँगी तो वो मेरा गलत होने वाला है. एंड अगर 90 क्वेश्चन से ऊपर वाले ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट कर लिए तो फिर वो अगेन नेगेटिव में ज़्यादा जाने वाला है. सो दिस स्ट्रैटेजी वॉज मेड विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ सीख फॉर मी जो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से पाई थी. फिर आया सेकेंड अटैम्प्ट एंड प्रिलिम्स बहुत अच्छे नंबर से हो गया. उसके बाद फॉर्चुनेटली मेन्स भी हो गया. इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आए, बट देन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. सो उस टाइम इतना डिसहार्टनिंग था वो कि इतनी मेहनत कर ली है एंड अभी भी नहीं हुआ. तो हियर कम्स द सेकेंड जो लाइफ की सीख मुझे मिली थी. अब यहाँ पे ऐसा था कि खुद को ये मत समझो कि यू हैव डन एवरीथिंग बेस्ट दैट यू कैन डू, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट. ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने सब कुछ बेस्ट तो दे दिया फिर भी क्यों नहीं हुआ है. तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में ये सोचने लग गई थी कि मैं मेंस में इससे अच्छा तो लिख ही नहीं सकती हूँ, इससे अच्छा तो मुझ में इतना वो टैलेंट ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगी. तो मेरे तरफ से मैंने ऐसे भी वन ऑफ़ द बेस्ट लिखा था, मेरे GS भी वन ऑफ़ द बेस्ट हुआ था. सब कुछ जितना मेरी तरफ से हो सकता था मैंने पूरा एफर्ट पुट इन कर दिया था. तो यहाँ से फिर मैंने सीखा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है. फिर आया थर्ड अटैम्प्ट, तो उस टाइम ऐसा हो गया अब कि ठीक है, अब मुझे इम्प्रूव तो करना पड़ेगा. तो मैंने अपने आंसर्स खोले जो मैं मॉक्स में लिखती थी. फिर मुझे पता चला कि ओके, यहाँ तो बहुत रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है.
तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड इवेंचुअली इन माई थर्ड अटैम्प्ट फिर मेरे 90 मार्क्स इंक्रीज हो गए. अब अगर ऐसा होता कि फोर्थ अटैम्प्ट देना पड़ता तो आई एम वेरी श्योर कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है. तो ये सेकेंड मेरी जो ये सीख थी कि स्काई इज़ द लिमिट वाला ही होगा कि देयर इज ऑलवेज अ ग्रेटर थिंग. जो आप अपना बेस्ट दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है. तो ये एक डिसहार्टनिंग ना कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है अगर आपका इतनी मेहनत के बाद भी फेलियर हो रहा है. तो यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड मुझ में ही लाइक स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स कि उनकी वजह से नहीं हुआ या खुद में कमी ढूंढनी पड़ेगी. एंड वो मैंने अपने पहले और दूसरे अटैम्प्ट दोनों में ढूंढी थी. सो दिस इज़ वॉट. एंड एक जो वो चार दिन का फेज था बिकॉज 23 मई 2023 को रिजल्ट आया था एंड 28 मई को वापस से नया प्रिलिम्स होने वाला था 2023 वाला. सो सिर्फ एक दिन था रोने के लिए. सो आई क्राइड माई बेस्ट कि अब तो आज तो रोना ही है पूरे दिन, कल से पढ़ाई करेंगे. सो द नेक्स्ट 3 to 4 डेज आई स्टडीड रिग्रेसली एंड इट्स नॉट लाइक कि फिर चार दिन करा और प्रिलिम्स निकल गया बिकॉज अल्टीमेटली जो फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था 2020 से तो वो वाली जो पढ़ाई थी वो तो काम आनी ही थी. सो विद गॉड्स ग्रेस मैंने अब प्रिलिम्स हो गया था. थोड़ा पेपर भी टफ था, थोड़ा सीसैट भी टफ था, बट एक वो होता है ना कि आपकी पुरानी मेहनत जो है वो एक ना एक दिन काम ज़रूर आएगी. भले से चार दिन मिल पाए थे बट आई गेव माई बेस्ट एंड अगेन नॉट बेस्ट, इससे और इम्प्रूव हो ही सकता था डेफिनेटली. सो जब एक बार प्रिलिम्स हो गया देन आई वॉज रेडी फॉर कि अब तो मैं मेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाली हूँ. सो मेरे पीयर ग्रुप्स थे तो उनकी हेल्प से वी यूज़ टू एनालाइज आवर आंसर्स, वी यूज़ टू राइट डेली एंड टॉपर्स ये कॉपीज वगैरह देखना कि उन्होंने क्या लिखा है, मुझ में क्या मिसिंग है. सो ऑल ऑफ दैट आई यूज़ टू डू. एंड फिर जब मेन्स हो गया तब एक था कि हाँ यार मेन्स भी हो गया, दूसरे टाइम अब बस इंटरव्यू ही बाकी है. एंड इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोग सब लोग लग गए थे साथ में कि अब तो इसको करके ही रहेंगे. एंड देन इवेंचुअली जब रिजल्ट आया सो इट वॉज वेरी गुड एंड आई सिक्योर रैंक 61 एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. सो दैट वॉज इट. आई वॉन्ट टू से एज अ मैसेज कि हार मत मानो, जो होगा वो तो होना ही है. सो आई बिलीव दैट खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, खुद की गलतियों को एनालाइज करते रहना चाहिए एंड आई थिंक इसी से इम्प्रूवमेंट होगा.